हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर डिक्शन ड्रीम इलेवन में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो यॉर्कशायर डायमंड और सरे स्टार के बीच में वुमेन सुपर टी20 का मैच खेला जाएगा और सेकेंड मैच खेला जाएगा डरहम और लंकाशायर के बीच में इंग्लिश टी20 ब्लास्ट का मैच खेला जाएगा। हम इस वीडियो में इन दोनों मैचों के ड्रीम इलेवन की टीम के बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता आज बहुत सारे मैचेस खेले जाने हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जो फर्स्ट मैच खेला जाएगा यॉर्कशायर डायमंड और सरे स्टार के बीच में। तो यहाँ पे आपके लिए विकेट कीपर सेक्शन के लिए तीन ऑप्शन दिए गए हैं, सारा टेलर, पेट मुनी और रियाना साउथबी। आपको रियाना साउथबी को पिक नहीं करना है, मैंने अपनी टीम में सारा टेलर को पिक किया है। बात करते हैं वहीं बैट्समैन सेक्शन की। लीजा लिली को मैंने अपनी टीम में पिक किया, बहुत ही अच्छी है फॉर्म में। चमारी अट्टापट्टो भी बहुत अच्छी फॉर्म में, इसलिए मैंने इनको अपनी टीम में पिक किया है। ब्रियोनी स्मिथ को मैंने अपनी टीम में इसलिए पिक किया क्योंकि ये साथ में बॉलिंग भी करा रही, तो आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों में पॉइंट दिला सकती है। ब्रुक्स भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में, तो मैंने अपने इस टीम में ब्रुक्स को पिक किया है। तो इन चार बैट्समैन के साथ में जाने वाला हूँ ड्रीम इलेवन की टीम में। ऑप्शंस की बात करूँ तो लॉरेन विनीफील्ड आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, लेकिन ये इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। एलिस क्रेस्टोन के साथ अगर आप ग्रैंड लीग मिस लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और नीचे से ये दोनों प्लेयर आपके लिए सेफ नहीं रहने वाले इस मैच के लिए। बात करते हैं वहीं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे तीन ऑलराउंडर को पिक किया है। स्काइवर बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, ब्रूंट और सोफी डुंगले, इन तीन ऑलराउंडर को मैंने अपनी टीम में पिक किया। ऑप्शंस की बात करूँ तो डेन वेन निकर्क आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन, लेकिन खराब प्रदर्शन कर रही है, तो अगर आप इन्हें अपने टीम में पिक करना चाहते हो तो कर सकते हो। एलिस डेविडसन रिचार्ड्स आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, और नीचे से डेली साहब के लिए इस मैच के लिए रिस्की हो सकती है, लेकिन हाई चांस इनके खेलने के हैं। बात करते हैं वही बॉलिंग सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे तीन बॉलर को पिक किया है, मरीज़ ने केप, लोरा मार्स और केटी लेविक को, इन तीन बॉलर को मैंने अपनी टीम में पिक किया। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चोज की, तो मैंने अपनी इस टीम में कैप्टन रखा है लीजा लिली को और वाइस कैप्टन मैंने बनाया स्काइवर को। तो हम बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू की, तो यही मेरे ड्रीम इलेवन में स्मॉल लीग हेड टू हेड ग्रैंड लीग का फाइनल प्रीव्यू होने वाला है। अगर मैं आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करूँ तो आप अपनी टीम में अट्टापट्टो को कैप्टन बना सकते हो, और अगर आप वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे ब्रियोनी स्मिथ, ब्रूक्स और ब्रूंट, इन तीनों में से किसी एक को आप वाइस कैप्टन बना सकते हो अपनी टीम में। और यहाँ पे सारा टेलर, लीजा लिली, अट्टापट्टो और स्काइवर, इन चारों में से आप अपनी टीम में किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा टीमें बनाते हो तो आप अलग अलग अपने कैप्टन वाइस कैप्टन की कॉम्बिनेशन अपनी टीम में रख सकते हो, और अगर इस टीम के साथ अगर आप खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, लेकिन आप इस टीम में अपने तरफ से एक दो चेंज जरूर करना। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इस टीम में अपने तरफ से चेंज करके खुद से भी एक बेटर टीम बना के आप ड्रीम इलेवन में अच्छा विन कर सकते हो। हम बात करने वाले जो सेकेंड मैच खेला जाएगा डरहम और यहाँ पे लंकाशायर के बीच में इंग्लिश टी20 ब्लास्ट का, तो यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जोस बटलर अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे ब्रुक गेस्ट को आपको अपने टीम में पिक नहीं करना, दो जो आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, डेन विलास और स्टुअर्ट पॉइंटर। मैंने स्टुअर्ट पॉइंटर को अपने टीम में इसलिए पिक नहीं किया क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे है। बात करते हैं बैट्समैन सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे चार बैट्समैन को पिक किया। टॉम लेथन को आप अपनी टीम किसी भी टीम में मिस मत करना, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। ग्राम क्लार्क को मैंने अपनी टीम में पिक किया, एलेक्स डेविस को मैंने अपनी टीम में पिक किया, और यहाँ पे कार्ल ब्राउन को मैंने अपनी टीम में पिक किया है। यहाँ पे लियाम प्लंकेट अवेलेबल नहीं है, तो आपको इन्हें अपनी टीम में पिक नहीं करना है। केटोन जेनिंग्स को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना, ये भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे माइकल हैज़ार्ड को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना। रियान डेविस आपके लिए एकदम सेव ऑप्शन रहने वाला, और नीचे से मैं बात करूँ तो आपके लिए यहाँ पे लियाम ग्रैंड लीग के लिए अच्छा ऑप्शन रह सकता है, बाकी कोई भी प्लेयर अवेलेबल नहीं है। बात करते हैं वहीं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे तीन ऑलराउंडर को पिक किया, पॉल कोलिंगवुड, विल स्मिथ और जेम्स फोकनर, इन तीनों बेस्ट ऑलराउंडर को मैंने अपनी टीम में पिक किया। बेन स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको इन्हें अपनी टीम में पिक नहीं करना है। और नीचे से ऑप्शन की बात करूँ तो रयान प्रिंगल, स्टीवन क्रॉप्स, एरोन लिली, जॉर्डन क्लार्क और यहाँ पे डेनी लम, ये पांचों आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन रहने वाले, नीचे से दोनों ऑप्शन जो आपके लिए सेफ नहीं रहने वाले हैं। बात करते हैं वहीं हम बॉलिंग सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे तीन बॉलर को पिक किया, नेथन रिमिंगटन, मार्क फुड और मैंने अपनी टीम में पिक किया मेट पार्किसन को। ऑप्शंस की बात करूँ तो इमरान ताहिर को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना है, जेम्स एंडरसन को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना है, यहाँ पे क्रिस रुसवर्थ आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन, जेम्स आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन रहने वाला है, और यहाँ पे सेफ ऑप्शन की मैं बात करूँ तो आपके लिए ज़हीर खान भी एकदम सेफ ऑप्शन रहने वाला है। बात करते हैं हम आगे कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में, तो इस टीम में मैंने कैप्टन बनाए ऑलराउंडर पॉल कोलिंगवुड, बहुत ही अच्छे फॉर्म में, और वाइस कैप्टन मैंने रखा है एलेक्स डेविस को। बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू की, तो यही मेरे ड्रीम इलेवन का हर लीग का फाइनल प्रीव्यू होने वाला, इसी टीम के साथ मैं ड्रीम इलेवन में हर लीग खेलने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे कैप्टन
चेंज करना चाहते हो तो टिम लेथम को आप कैप्टन बना सकते हो, ये ज़बरदस्त फॉर्म में, या आप यहाँ पर जेम्स फोकनर को वाइस कैप्टन बना सकते हो। बॉलिंग चारों पूरे करेंगे लेकिन इनका जो बैटिंग ऑर्डर वो थोड़ा नीचे है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो ब्राउन को वाइस कैप्टन बना सकते हो, या क्लार्क भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस हो सकती है। लेकिन मैंने अपने इस टीम में कैप्टन रखा है पॉल कोलिंगवुड को, और वाइस कैप्टन मैंने बनाया यहाँ पे डेविस को। तो ये मेरी ड्रीम इलेवन की टीम रहने वाली है, इसी टीम के साथ मैं हर लीग खेलने वाला हूँ। अगर आप इस टीम के साथ खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैंने आपको यहाँ पे कंफर्म कर दिया प्लेयर के बारे में। अपनी तरफ से इस टीम में आप एक दो चेंज कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप अपनी तरफ से इस टीम में चेंज करके खुद से भी आप एक बेटर टीम बना के अच्छा विन कर सकते हो। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कोई भी कन्फ्यूजन हो दोनों के टीमों के बारे में, कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो, और मैच से पहले भी एक बार आप कमेंट सेक्शन बॉक्स कर लें, चेक कर लेना, ताकि कोई भी न्यूज आए प्लेयर्स के बारे में, प्लेयर्स के इंजरी के बारे में, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।